हेलो दोस्तों, आज मैं श्वास नली और फेफड़े में होने वाले कफ के निदान के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर बीपी गुप्ता होम्योटेक अपने यूट्यूब चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो श्वास नली है उसमें सेलेस्मिस झिल्ली के अंदर जो हल्का कफ इकट्ठा होता है वो पहले कैसे होता है, सूखा होता है, फिर सूखी खांसी आती है, उसके बाद कफ भरी खांसी आती है, कलेजे में घड़घड़ की आवाज होने लगती है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि आदमी स्वर भंग भी हो जाता है, साय साय की आवाज भी आती है, छाती में अकड़न हो जाता है और छाती जकड़ देता है। जब दोस्तों हमारा कफ पूरे सीने को जकड़ देता है, रक्त संचय होने का भी डर रहता है। इसमें दोस्तों दम भी घुटने लगता है। अगर हम घूमते हैं तो घूमने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि घूमने फिरने में दम घुटने लगता है। लेटने पर भी हमारी श्वासें फूलने लगती है। दोस्तों, कहीं अगर हम घूम रहे हैं, चढ़ाई थोड़ा सा पड़ा तो उसमें हमारे सीने में दर्द होने लगता है और श्वास कष्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी दवा है जिसका नाम है सिनेगा क्यूब। सिनेगा मदर टिंचर इस कफ को बाहर निकालने में 101% मदद करता है। अगर कफ हमारे अंदर जकड़ जाता है दोस्तों, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन लेवल कमी हो जाएगी तो हमारा श्वास कष्ट बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, यह जो सिनेगा क्यूब है पुराने ब्रोंकाइटिस में भी काम करता है, निमोनिया में भी काम करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बच्चों को बार बार निमोनिया हो रहा है, उसमें हम उसका डोज कम कर देते हैं और बच्चों को निमोनिया में बहुत अच्छा काम करता है। वृद्धों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, दम्मा के मरीज बन जाते हैं वो। इसलिए दोस्तों, उसमें सिनेगा मदर टिंचर बहुत बेस्ट बेनिफिट करता है। दोस्तों, इसकी क्रिया आंख पर भी होती है। आंख और नाक में मिर्च जैसा जलन होता है, वह इसको भी ठीक करता है। तो दोस्तों, इसमें इसका डोज अलग अलग है। अगर बच्चों को देना है तो 3-3 बूंद हम 1 चम्मच पानी मिलाकर देंगे 4 बार। नौजवान और वृद्ध को देना है तो 10 बूंद आधा कप पानी में मिला कर देंगे हम। तो दोस्तों, ये सिनेगा क्यूब ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सेलेस्मिक झिल्ली जो श्वास नली में रहती है उस पर अपनी क्रिया बहुत अच्छी प्रकट करती है और बीमारी को जड़ मूल से समाप्त कर देती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो
आप देख रहे हैं, तो कृपया इस चिनेगा क्यूब को, इस ब्रंकाइटिस, निमोनिया और श्वास नली में होने वाली बीमारी पर जरूर यूज करें, ताकि आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो और मैं बना सकूं, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।